सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट व्यू क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ड्राफ्ट व्यू होता क्या है। अब जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हमने कुछ टेक्स्ट लिए हुए हैं। अब यहां पर बॉर्डर है, पेज यहां पर देख सकते हैं, यहां पेज नंबर दिया हुआ है, यहां पर वॉटरमार्क लगा हुआ है। जब हम ड्राफ्ट व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये सब कुछ हमें नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई पड़ता है। यानी कि अगर आपको कोई क्विक एडिटिंग करनी है और आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने टेक्स्ट पर फोकस करें, तो इस सिचुएशन में हम ड्राफ्ट व्यू का इस्तेमाल करते हैं। अभी जब यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ड्राफ्ट व्यू होता कहां पे है? तो देखिए, ऊपर के रिबन में आपको बहुत सारे टैब मिलेंगे, हमको चलना है राइट साइड में और यहां पर हमको एक टैब मिलता है व्यू टैब। ये रहा व्यू टैब, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए, यहां पर हमको मिलता है ड्राफ्ट व्यू। ये रहा ड्राफ्ट व्यू, ठीक है। तो जब आप इस पे अपने कर्सर ले जाएंगे, देखिए नीचे लिख करके भी आ रहा है, स्विच योर व्यू टू जस्ट सी द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, दिस इज यूजफुल फॉर क्विक एडिटिंग बिकॉज हेडर एंड फुटर एंड सर्टेन ऑब्जेक्ट्स वोंट शो अप, अलाउ यू टू फोकस ऑन योर टेक्स्ट। यानी कि हेडर, फुटर और कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स नहीं शो करेगा, सिर्फ आपको आपके टेक्स्ट पर फोकस करना अलाउ करेगा, इसलिए हम ड्राफ्ट व्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, देखिए हमने इस पर क्लिक किया, अब देखिए वो सब कुछ हट गया और सिर्फ टेक्स्ट मतलब आपको यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको वापस से वही मतलब फॉर्मेटिंग चाहिए, यानी कि बॉर्डर चाहिए जो था वहां पर, मतलब पेज नंबर और वाटरमार्क, तो उसके लिए आपको वापस से प्रिंट लेआउट पे क्लिक करना है। ये प्रिंट लेआउट आपको दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्राफ्ट व्यू इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।